हाँ जवाब है। बोला बोला तुम्हें बेटे अंकल जी डॉक्टर घुमेरा मंच पे आइए। स्टिक वहाँ है गाड़ी में जो लेकर लगा के छोड़ दे छोड़ दे से कुछ जरा ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಏನಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सिवाय मुसलमानों तो ये खाली मुसलमानों का भी नहीं है ये, बल्कि हिंदुओं के ऊपर भी है क्योंकि मेजॉरिटी हिंदूज की है तो वो लोग भी ज़्यादा परेशान हुए. अब सब मिलके ये अब सब में ये जोश आ चुका है, सब समझ चुके हैं ये चीज़ में, तो इसीलिए पूरे रोड पे लेडीज आप देखें हमारे लेडीज कभी इतना रोड पे कभी नहीं आती. ये बार अब सब अपने अपने हिफाजत के लिए अपने अपने क्योंकि दादा की डेट ऑफ बर्थ मिल रही है, प्रॉपर्टीज के पुराने कागज लोन कहाँ से लगे, इसीलिए पूरे रोड पे उतरे हुए हैं. नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं. अब JNU में देखिए क्या हाल हुआ है, उसके बारे में भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है. इतना होने के बाद जामिया में इतना अंदर घुस के
ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಉಮೇಶ್ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ
मैडम डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब को हाथ नाने जा रहे हैं, आप सब खामोशी से बैठिए। बाबा साहब अम्बेडकर को हाथ डालने के लिए मैडम एमएलए नॉर्थ कनीष फातिमा एमएलए मैडम, बाबा साहब अम्बेडकर को हार डालने के लिए जा रहे हैं, अपने अपने जगह पे खामोश बैठिए प्लीज। मेरी बहनों खामोश बैठिए। आदिल भाई Oh, God, you know, do I have?
उन्हें फूला लेकर बेटा चप्पल निकाल दो बेटा नीचे नीचे जा छोड़ फुल्ला दियो भाई हटो थोड़ा हटो बाबा बाबा बोलो انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد آباد
अंबेडकर वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, नेहरू वाली आजादी, आजाद आजाद देश में लेके रहेंगे, लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, गुलाम अनुवाद से आजादी, भूखमरी से आजादी, आजाद देश में आजादी, आजाद देश की आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम पुलिस बुला लो आजादी, तुम डंडे मारो आजादी, तुम जेल में डालो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, अनुवाद से आजादी, भूखमरी से आजादी, भूखमरी अंबेडकर वाली अशफाक वाली, अशफाक वाली फातिमा वाली, टीपू वाली, टीपू वाली, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, तुम पुलिस बुला लो, तुम पुलिस बुला लो, तुम डंडे मारो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो, तुम जेल में डालो, सुन लो मोदी आजादी, अरे सुन लो अमित शाह आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, सुन लो मोदी आजादी, तुम सुन लो अमित शाह आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, आजाद देश की आजादी, आजाद देश की आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, वो गांधी वाली आजादी, वो गांधी वाली आजादी, मनुवाद से आजादी, भूखमरी से आजादी, आरएसएस से आजादी, आरएसएस से आजादी, बीजेपी से आजादी, बीजेपी से आजादी, बीएसपी से आजादी, बीएसपी से आजादी, बजरंग दल से आजादी, बजरंग दल से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, इंकलाब हो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, आवाज दो आवाज दो, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सस्ता की हथियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सस्ता की हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, आवाज दो ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತು ಕನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಈ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಈ ಧರಣಿ ಇದೆ. ಧರಣಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಏನು ಇದು CAA ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಏನು ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಇದು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ NCR ಮತ್ತು NCR ಮುಂದೆ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಒಂದು ಕೂಗಿದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 21ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪೀರ್ ಬಂಗಾಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 200,000 ಜನ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. मैडम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हो। मैडम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हो। आवाज दो, हमें एक है, हमें एक है। आवाज दो, हमें एक है। मैडम तुम आगे बढ़ो। खाला थोड़ा तुम आगे जाओ, खाला खाला पीछे जाओ, तुम खाला पीछे जाओ, तुम थोड़ा थोड़ा पीछे 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 थोड़ा पीछे मैडम साइड आ रहे, मैडम 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 आप थोड़ा साइड हो, सब थोड़ा देखे तो हेलो Yeah.
बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सन्मान्य श्री शरण प्रकाश पाटील सर ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡಬೇಕು भाभी भाभी आपका सही है आपके लिए आज आप लोग इसका जो विरोध है सीएए का जो विरोध है
हेल्प होम के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो आसाम में ये जो आप लोग सीए का हम इंप्लीमेंट करेंगे और एनआरसी जहां पे तुम इंप्लीमेंट किए थे वहां पे आसाम में सिर्फ माइनॉरिटीज का विरोध नहीं कर रहे, पूरा आसाम के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यूपी में इसका विरोध हो रहा है, बिहार में इसका विरोध हो रहा है, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हर एक राज्य में और हर कौम के लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे संविधान के विरोध में है। हमारे देश के संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में रहने वाले सभी जातियों और वर्गों और सभी धर्मों के लिए उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए हैं। हर एक को उनका हक है इस देश में स्वाभिमान से रहने का, हर एक धर्म के लोगों के यहाँ पे हक है, लेकिन ये बीजेपी अपनी जाति विवाद के लिए और सियासी फायदे के लिए ये सब कर रहा है और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये जो इनके लोगों का बीजेपी का ये जो देश को बांटने का काम है उसका हमेशा विरोध करते आए हैं और ये पूरा देश में आज जब विरोध चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट है इसके। और हम हमेशा ये जो लोग ये फिरका परस्त लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, ये धर्म और धर्म के बीच में झगड़ा लगाना चाहते हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश में शांति और अमन के लिए है और हमेशा हम आपका सपोर्ट रहेंगे। यहाँ पे आज आप लोग हमारे नेता यहाँ पे जो गणेश फातिमा जी है उनके नेतृत्व में आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट आपके साथ है और हम क्योंकि ये जो जिद्दोजहद है यहीं पे खत्म होने वाले नहीं है, जब तक सीए ये जो कानून है जब तक वापस नहीं लेंगे, जब तक ये एनपीआर और एनसीआर ये जो बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है उसका हम पूरा विरोध करेंगे। और चाहे क्योंकि ये जो हुकूमत है ये हुकूमत पूरी जुल्म पे उतर आई है, यहाँ पे जो बच्चों के ऊपर गोलीबार हो रहा है, यहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स है यूपी में पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर गोलीबार हुआ है, मंगलूर में गोलीबार हुआ है, ये सब ये जाने गई हैं, ये सब बीजेपी इसका जो नुकसान है ये जो जानो माल का नुकसान है उसको बीजेपी को ही भरना पड़ेगा। और ये जो लोग ये देश में जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जरूर हम सबक सिखाएंगे और हमें देश में एकता और अखंडता हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। हम सब मिलके इस कानून के लिए लड़ेंगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं जबरन लोगों के मामले में से गुजारिश करती हूँ कि वो मंच पर आए और विरोध करें। आप कौन जानते हैं आप कभी आए भाइयों बहनों, आज देश को बहुत मुसीबत में पड़ाए है कि हमें इस देश को बचाना चाहिए, अगर देश बचा तो ही हम सब लोग यहाँ मिलजुल कर अच्छा रहते हैं। मैं इस समय एक शायरी कहना चाहती हूँ जावेद अख्तर जी का, जो मुझे जिंदा जला रहा है वो बेखबर है।
मुझे जिंदा जला रहा है वो बेखबर है कि मेरी जंजीरें धीरे धीरे पिघल रही है, कि मेरे जंजीरें धीरे धीरे पिघल रही है। मेरी कत्ल तो हो गई तुम्हारे गली में, मेरे कत्ल तो हो गई तुम्हारे गली में, लेकिन मेरी लहू से तुम्हारी दीवार तल रही है, तुम्हारी दीवार तल रही है। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात फुटपाथ पे नींद नहीं आएगी। मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कि कोई खिड़की इसी दीवार पे खुल जाएगी, कोई खिड़की इसी दीवार पे खुल जाएगी। बहना आज का ये बहुत बड़ा महिलाओं का धरना है, हम अखिल भारत जनवादी महिला संगठन के तरफ से हम इस धरना को पूरा बेमल करते हुए मैं एक दो बात आपके सामने करना चाहती हूँ। और हमारे महिला एमएलए मैडम जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस देश जब मुसीबत में पड़ा, सिर्फ मुसलमान नहीं सभी लोग समझ लेना चाहिए, पूरे देश मुसीबत में पड़ा है, उस समय उन्होंने आप सभी को साथ लेकर लोगों के बीच में आकर इस रास्ते के ऊपर ढेर के उन्होंने कह रहे हैं कि मोदी जी अमित शाह जी आप जो कानून लाए हैं वो कानून इस भारतीय संस्कृति का खिलाफ है, वापस ले लो आपका कानून, वापस ले लो। अभी मैंने एक राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ चल रहे हैं, तत्व पदकारों का सूफी संत शरणों का एक सेमिनार है, वहां मैं थोड़ा बात करके इधर आ गई और मेरे साथ डॉक्टर के शरीफा जी ने बेंगलुरु से आए हैं, इधर है वो मेरे साथ आए हैं। और मुझे आज इतना खुशी हो रही है कि शरीफा गुलबर्गा में शायद 40 साल पहला, 40 साल पहला इस गुलबर्गा में एमएसटी मिल में उन्होंने रहते थे, अभी भी उनके माँ बहना सभी लोग एमएसटी मिल में है। उस जमाने में शरीफा जी ने गुलबर्गा जिला के गांव 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 जाकर उन्होंने लड़ाई करे थे इसके बारे में कि महिलाओं को पानी दे दो, महिलाओं को बस में ये जो 3 सीट अब आ गए ना 6-9 सीट, उसी समय उन्होंने लड़े बस में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन चाहिए, बस में अगर बस में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन देने का मन हमारे पुरुषों के मन में आता तो ही पार्लियामेंट में असेंबली में 33% रिजर्वेशन देने के लिए भी उनके दिल में आ जाता है। हमने अखिल भारत जनवादी महिला संगठन बहुत साल से ये मुद्दा रख के लड़ रहे हैं, कैसे हम लड़ रहे हैं, उस जमाने में हमारे शरीफा जी ने ये मुद्दा लेकर लड़े थे, हमने उनके रास्ते पे चल के आए हैं। अब उन्होंने रिटायर होते मैंने कहा उनको मैडम आप गुलबर्गा आ जाइए, हमारे एक महिला एमएलए है तनिष फातिमा जी, वो महिला एमएलए और दूसरा कोई महिला नहीं है, 2-3-4 थोड़ा होना पड़ेगा यहाँ तो ही ये मोदी को ये अमित शाह को हमें थोड़ा बताना पड़ेगा कि इस देश में कोई भी माँ अपना बच्चों को नहीं बेच सकते, हम कोई भी माँ हमारे बच्चों का आंखें का आंसू हम नहीं सहन कर सकते। अजय मोदी जी आपको भी एक महिला एक माँ जन्म दिया है, आप जाकर उनको पूछो कि माँ माँ कभी मुस्लिम नहीं होती, कभी हिंदू नहीं होती, कोई जैन नहीं होती, क्राइस्ट नहीं होती, माँ में कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वर्ग नहीं, किसको भेजने वाले है, क्यों मांगे है, हम ये पूछ रहे हैं, जवाब दे दो, दुनिया को जवाब दे दो, आप ये लो।
साहब हटे साहब पीछे हो पीछे हो घुसकर यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर बेटियों के ऊपर हमला कर रहे और
ऊपर से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचाई तो ना पढ़ने का बात तो बेटियां पढ़ने के लिए शेरू गए हैं, जामिया यूनिवर्सिटी गए हैं, हमारे बेटियां उधर जाकर पढ़ रहे हैं। आप क्या करें, आपके आरएसएस आपके एबीवीपी अंदर घुसकर हमारे बेटियों के ऊपर हाथ करे है। हम कभी नहीं भूलते वो बेटी वो बेटियां भारत देश की बेटियां है, ना मुस्लिम ना हिंदू बेटियां बेटियां होते हैं, माँ माँ होते हैं। हम ये कभी नहीं भूलते क्यों मारे हमारे बच्चों को। आप घोषण करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के ऊपर आप अत्याचार करते हैं मारते हैं। अगर बेटियां यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ना है तो उनके दिल के अंदर भय पैदा करे है, भय पैदा करे पूरे भारत देश में लोगों के दिल के अंदर ये भय आप पैदा करे है कि कोई भी लोग की रोड के ऊपर आकर हमें शिक्षण दे दो, हमारे एजुकेशन हमारे हेल्थ का प्रॉब्लम है, हमें खेत दे दो, हमें काम दे दो, हमारे बच्चों का ये करो, ये सब नहीं पूछना चाहिए। देखो हम सब लोग एनआरसी सीएए एनपीआर में पढ़े हैं, लोजा नाम स्ट्राइक कर रहे हैं, पीछे नरेंद्र मोदी जी क्या करे पूरा हमारे रेलवे डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज करे है, पूरा हमारे रेलवे डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज करे है। 150 ट्रेन प्राइवेट का आ गया, 40 प्लेटफॉर्म पूरा प्राइवेट का हो गया। देखो देश का हालत क्या बना के रखे है, पूरा ये कॉर्पोरेट अदानी अंबानी के हाथ में दे दिया है। हम नहीं भूलते हमारे भारत का स्वर्ग कश्मीर, कश्मीर को ताला लगाकर बंदी बनाकर रखे है। उस समय सभी लोग रोड के ऊपर आकर क्यों कश्मीर को ताला लगा के बंदी बना के रखे है, ऐसा लाखों लोग रोड के ऊपर आकर अगर पूछते तो मोदी को थोड़ा दिमाग में आता था, हमारा भी गलती हो गया थोड़ा, हम समझ लेना चाहिए। हमारे बच्चे नौकरी नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ गया, गरीबी बढ़ गया, इसीलिए रोजाना 10 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हम इसके साथ साथ देखो हमारे बच्चों को काम दे दो बोलकर अगर हम रोड के ऊपर लाखों महिला आते थे तो ये सीएए नहीं लाते थे। हम ये समझ लेना हम अब आ गया है, अब हम रोड के ऊपर आ गए हैं। हमने इस देश को पूरा ये चोर चक्के वालों का हाथ में देकर हम पकाते घर में बैठे, हमारे भाइयां पूरा बिजनेस करते बैठे, हमारे भाइयां हमारे बाप सब नौकरी करते बैठे और हम टीवी देखते घर के अंदर बैठे, ये चोर चक्के लोग क्या करें पूरा पूरा देश को बर्बाद करे पूरा देश। कहते हैं अगर कन्हैया जैसा हमारे बेटे पूछे तो प्रश्न करे तो ये टुकड़े टुकड़े ज्ञान कहते हैं ना आप, टुकड़े टुकड़े ज्ञान कहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ अगर सच्ची देशभक्त लोग इस देश को एकता के लिए सभी को नौकरी लेने के लिए सबके समानता के लिए अगर बात करें तो टुकड़े टुकड़े ज्ञान हो जाते हैं। तो आप क्या है, आप क्या है, आपको नागपुर के आरएसएस नाजीवाद का कीड़े मकोड़े निकले है, कीड़े मकोड़े निकले है। इस देश को बर्बाद करने के लिए आप बोलो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी आपने आरएसएस का बात सुन रहे हैं। इस देश को बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान निकाल कर मनुस्मृति लाने के लिए आप सब एक कर रहे हैं। एक तरफ हिंदू मुस्लिमों को पूरा वैरी बना के रखना, शत्रु बना के रखना, दूसरे गरीबी बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना, किसान लोगों का समस्या बढ़ाना, हमारे बच्चों का समस्या बढ़ाना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, पूरा भारत देश बर्बाद होना। और ये जो बड़े 3% 4% लोग है ना, ये लोग हमारे देश का संपत्ति पूरा लूट मार करके अमीर बन के रहना, इसलिए हमारा देश में ये सब ला रहे हैं। इसलिए मैं आखिर एक बात आपको कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों, हमारे माते हैं इधर, हमारे छोटे बहना जैसे सभी लोग भी इधर है, बड़े दीदी है, सभी लोग है और हमारे साथ। हम कहते हैं पुरुष कभी भी महिलाओं के खिलाफ नहीं रहते हैं, पुरुष हमेशा अगर सच्ची दिल वाले सच्ची सोच वाले रहते वो महिलाओं को बेम्बल करते हैं। इस स्टेज के ऊपर इस मंच के ऊपर शरण प्रकाश पाटिल जी ने है उन जैसा अभी भी बहुत
सारे लोग हैं, मगर वो शरण परंपरा के लोग हैं, और एमएलए माजी एमएलए माजी मिनिस्ट्री से भी ज्यादा हमारे पशमंडा के परंपरा के लोग हैं, शरण परंपरा के लोग हैं, इसलिए उन्होंने महिलाओं का इक्वालिटी चाहते हैं। इस मंच पे उनको देखकर सही भी मुझे खुशी हुआ। अगर गुलबर्गा जिला पूरा देश भर में लाखों महिला लाखों पुरुष लोग रोड के ऊपर आकर एनआरसी सिंगे के खिलाफ आवाज उठाते उठाते उसके साथ साथ नौकरी दे दो, उसके साथ साथ हमारे किसान लोग यहाँ स्ट्राइक करते हैं, उनका जो तुम्हार है उसके लिए आप रेट दे दो, ये नारा हम उठाए तो ये देश बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। समझ लो आप लोग सीए थोड़ा नहीं, अभी हमेशा बोल रहे हो नहीं नहीं सीए हम नहीं करेंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे ना, उनके झूठे बातें मत काट, विश्वास मत करो इनके ऊपर, ये तो झूठ बोलने वाले हैं। कितना बड़े झूठे प्रधानमंत्री हम शक्ति नहीं देते, हमारे जिंदगी में हम शक्ति नहीं देते, वो कहते हैं हम तो एनपीआर के बारे में कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी हम सोचते रहे, हम महिला है, हम माए है, कुछ नहीं कर रहे ना, तो ऑर्डर करो एनसीसी एनपीआर नहीं करना, बंद करो ये ऑर्डर करो, करे क्या हम एनआरसी नहीं है, योजना काम करते हो। हम कहते हैं आपके झूठे बातों में अभी देश ये विश्वास नहीं करेगा, हम छह साल में मन की बात सुन सुन कर देख सकते हैं, हमें अन्याय भी नहीं था हमारे बहुत सारे हमेशा संगठन वालों को, मगर बहुत सारे हमारे माँ बहनों को कार्यों का अन्याय नहीं था कि इतना झूठे निकलेगा और इतने अदानी अंबानी का चेला निकलेगा, ये हमारे हमारे लोगों को पता नहीं था। तो हम अब आवाज उठाए हैं, मन की बात बंद करो, लोगों का दिल की बात सुनो, हमारे दिल की बात सुनो, हमारे दिल की बात ऐसी है, ऐसी है भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन एक, हम आपस में भाई बहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारा देश है, ये हमारा भाईचारा है, ये हमारा सही सांस्कृतिक परंपरा है, ये हमारा माँ बहना का रिश्ता है, इस रिश्ता को कोई नहीं तोड़ सकते है। ये अदानी अंबानी को भी हम कहना चाहते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कहना चाहते हैं कि गुलबर्गा के इस बड़े पैमाने के महिलाओं का धरना के इस मंच से मैं उनको एक चेतावनी देना चाहती हूँ, अगर आपके समाज के अंदर थोड़ा भी अकल है, आपके दिल के मन के अंदर थोड़ा भी दिल है, थोड़ा भी इंसानियत है, तो कहना चाहिए ये वापस लो, ये वापस लो, वापस लो, नौकरी चाहिए दे दो, हमारे किसानों के लिए क्या कार्यक्रम वो दे दो, हमारे महिलाओं के लिए क्या है सब पैसा वापस लिए है, हम गाँव में काम करते हैं, मन में छापी का सब एक साल पहला 1,000 करोड़ रुपया कम दिए है, अभी एक पैसा नहीं दिए है, खेत में हमारे लोग उन काम करे से भी पैसा नहीं मिल रहे है, पैसा दे दो, हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, अदानी अंबानी को देने के लिए हम टैक्स नहीं दिए है, हमारे टैक्स का पैसा हम सभी लोगों के लिए है, एक नौकरी ये बात हम इस मंच से कहने के लिए इधर इकट्ठा हो गए है। सभी महिलाओं को मैं विनती करती हूँ, हम सब महिला शाम तक कनी फातिमा मैडम जी के साथ हम साथ देंगे, इधर बैठेंगे, हमारे आवाज बुलंद करेंगे, पूरा दुनिया में हमारे आवाज बुलंद करेंगे। ये बात कहते हुए मैं आजादी का एक नारा कहती हूँ और उसके बाद मेरा बात खत्म करती हूँ, उसके लोग बात करते हैं। आजादी हम नहीं रुकेंगे, आजादी हम नहीं छुटेंगे, आजादी हम नहीं
से आजादी, चंदी आज से आजादी, सीए कैसे आजादी, बेरोजगारी से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, गली पीछे आजादी, नीचे पीछे आजादी, आरएसएस से आजादी, वो से आजादी, अमित शाह से आजादी, सुन ले अमित शाह आजादी, सुन ले अमित शाह आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, आजादी 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 आजादी, आरएसएस का हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, एनपीआर का हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, सीएए को हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, इंकलाब जिंदाबाद। मैडम बैठा दी फोटो मैडम खाला तुम थोड़ा हटो, थोड़ा हटो खाला तुम, हटो तुम। अभी सारा स्टेज बड़ा बनाने लगा मैं। लाओ जी खजाना है क्या? शर्म से मुँह
मिनट दो मिनट देखो प्रोग्राम चल रहा वेट बाद में लियो आप चलते रहो हां ले 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 नहीं अभी 2 मिनट इनका वेट लेना थोड़ा हटो फोटो लेने दो फोटो लेने दो खिलाने भाई ले ले भाई लेडीज है नहीं मैडम इधर देखिए चेयर लगा दे वहां बैठ जाओ सब हो गया ये वो नहीं है मोनोपोली और होना फोटो थोड़ा हटो भैया पीछे हटो भैया जरा पीछे दियो जगह दियो हिला ले भाई हमारा आज का इस जो सत्याग्रह जो हुआ है इसके बारे में बताइए आज जहाँ जगत सर भी भैया इनका सत्याग्रह रखा है रखा गया है लेडीज की तरफ से कई किसी पार्टी का है पूरे हिंदू मुस्लिम सब पूरे यहाँ जमा है सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ यहाँ पे जमा हुए थे और हम लोग ये एक दिन का धरना यहाँ रखे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू के पास क्योंकि बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ये बीजेपी आरएसएस मिलके उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रही है इसलिए हमें ये बर्दाश्त नहीं है तो हम लोग इसीलिए आज जमा हुए हैं और फिर 21 तारीख को भी एक बड़ा जलसा है गुलबरगा में वो भी काफ़ी बड़ा जलसा वीर बंगाले की मैदान में है और वहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं तकरीर करने के लिए वहाँ से उसके बारे में बताने के लिए क्या लगता है आपको ऐसे धरनों से जो बिल पास किए हैं वो लोगों के ऊपर कुछ इम्पैक्ट गिरेगा गिरना चाहिए जरूर गिरना चाहिए क्योंकि ये फॉर्म काबुल बैठने वाली नहीं है हम जब तक है ये वापस ले लेंगे सीए एनआरसी कैंसिल नहीं करेंगे एनपीआर कैंसिल नहीं करेंगे तो हम ये धरना आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक हो सकता है जब तक हम लोग ये जीत नहीं जाते इंशाल्लाह जितने लोग आपकी बात सुनने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक रेपुटेड एमएलए होने के नाते और खवातीन की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे खवातीन माशाल्लाह से खवातीन हर जगह हमारा साथ दे रहे हैं ये पूरे जहाँ जहाँ भी महलों में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं धरने दे रहे हैं वहाँ खवातीन भी जमा हो रहे हैं खवातीन में भी शऊर आ चुका है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है ये एनआरसी को कैंसिल कराना एनपीआर को एनपीआर अगर लाते हैं तो पहले की तरह पहले जब होता था सेंसस उस तरीके से लाए तो हमारे को कोई एतराज़ नहीं है ये जो नए नए कानून ला के दादा की सर्टिफिकेट बाप के सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट पैदा होने की जगह ये सब खुश रहे ये हमारे हमारे को मंजूर है जिस तरह पहले सेंसस होता था उस तरह रौ रौ कैमरा देखो इधर नहीं नहीं कैमरा नहीं नहीं ये पकड़ो ना लोगों को पकड़ना मैं लोगों पकड़ तू तुम अपने ख्यालात का इजहार करेंगे खैर एक मिनट मैडम जरा मैडम बाहर आइए मैडम आप इधर आओ नहीं यहां कैमरा पकड़ना मोबाइल पकड़ना लोगों को बैठने जगह नहीं आती बैठने जगह नहीं बैठे उनके इधर बैठने जगह नहीं होती सीट पूरी है नहीं नहीं मोबाइल पकड़ना नहीं ठहरने नहीं आता बात करने नहीं आता सर मैडम आप आइए जवाब पे दो मिनट ले तू हल दो मिनट ले तू प्लीज आइए मैडम आप आइए वो हमारे इनको मिला होता मैडम सर नेशनल लेवल पे मसद जान दे जो यहाँ लोग करीब बैठेंगे धक्के लगे तो पहले में माफी हैं आप फिर बाद में वो प्रेम करा था भीम रेड्डी से मैडम के लिए भीम रेड्डी हाँ स्टार्ट रवि आओ इधर आओ जोसफ
जाओ सब स्टार्ट। शाहीन बाग की तर्ज पर गुलबर्गा में भी जगह सर्कल पर खवातीन का एक एहतजाज मुनज़म किया गया है। कांग्रेस की रुकन असम्बली बेगम खानुसलाम इसकी क़यादत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ एक प्रगति प्रा संगठन के भी कुछ लीडरान मौजूद हैं। आइए बात करते हैं CAA के खिलाफ लोगों की क्या राय है। और साथ मौजूद है मैडम के नीला जो काफ़ी जोशीली तकरीर करने के लिए जाने। मैडम क्या देख रही हैं इसमें CAA के खिलाफ आपको क्या नज़र आ रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में जो है चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे वो जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ नजर आ रही है। CAA में मुखालिफ क्या नजर आ रहा है? देखिए इसमें ये है पूरे देश का इकोनॉमिक सिस्टम पूरा उल्टा करके डाले हैं। GDP 4.5 में पूरा डाउन हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, पूरा भारत देश में लोगों का आम लोगों का समस्या बढ़ गई है। और इसके साथ साथ ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश का संपत्ति लूटना चाहते हैं और इस संपत्ति पूरा अदानी अंबानी कॉर्पोरेट्स को देना चाहते हैं। इसलिए ये लोगों को डाइवर्ट करने के लिए लोग उनका समस्या के ऊपर नहीं बात करना, उनका दिमाग दूसरा तरफ खींचना, इसलिए उन्होंने बड़ा एजेंडा लाए हैं कि वो CA और भारत देश का कोई लोग अपेक्षा तो नहीं डाले। कहा जा रहा है कि CAA को शहरियत देने का कानून है, शहरियत लेने का कानून नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है गुमराह कर रहे हैं अवाम की, तो गुमराह कर रहे हैं। हालांकि CAA में जो है कहीं किसी की शहरियत नहीं जाएगी, फिर तो सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है। नहीं इसमें तो इतना है, अगर कोई इसका एक्ट पढ़े तो मालूम पड़ जाएगा कि 3 देशों में 6 धर्म का लोग अगर इधर आ गए तो उनको वो नागरिकता देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम धर्म क्यों छोड़े? इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे सब ये है, तो दूसरे वो तीनों देशों में उनके साथ भी बहुत सारे होंगे ना, तो उनके लिए क्यों आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं? एक्ट में कभी भी हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन मजहब के नाम पे कानून नहीं हुआ। आप पहली बार इस कानून मजहब के नाम पे करे हैं और इसका आपका ये एजेंडा है कि इस्लाम के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़काने का, ये है, ये गलत है कि सिर्फ 3 देश है हमारे नेबर देश है क्या? दूसरे भी है ना। इसके पीछे यही है CA के लाने के पीछे भारत देश हिंदू मुस्लिम ईसाई सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ये टूटना चाहिए। टुकड़े वो कर रहे हैं इसका पीछे ये, इसलिए हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। सभी लोगों को दे दो ना नागरिकत्व, इस्लाम को छोड़ रहे क्यों छोड़ रहे हैं, सभी को दे दो। आप क्या कर रहे हैं, किस तरह आपकी क़यादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, तो क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं मोदी गवर्नमेंट को, क्या बताना क्या चाह रहे हैं? अभी तो बात CAA की, CAA के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, आप जो है CAA के खिलाफ, अभी तो NTR का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है, तो अभी NTR की भी बात की जाए। भरोसा नहीं है ये लोग की बात, कोई भी यकीन नहीं करता, ये सारे झूठे हैं ये लोग, इसीलिए हम इसे उसके लिए भी हमारे साथ और एक तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ी एक खातून अवस्था, आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये तहरीक वगैरह हो रही है, थोड़ा सा किस तरह से इसको अपोज क्यों किया जा रहा है? ये क्योंकि ये पब्लिक नहीं चाहती, पब्लिक का डिमांड तो वो नहीं है, नौकरी दो है, नौकरी देने के लिए इनके पास नहीं है कुछ, तो पूरा लाल किला बेच दिए, ये बेच दिए, ट्रेन सब प्राइवेटाइज करने निकले, और बुलेट ट्रेन ना देखिए किसकी ज़रूरत है हमें गरीबों को, नहीं क्योंकि मेहनत मजदूर लोगों की ज़रूरत ही है। इनमें NRC और CAA से बाहर रहने वाले कौन है बोले तो ये लेबर लोग और लेबर क्लास से गरीब लोग, गरीब तक था ही इससे बाहर रहेगा, सब पढ़े लिखे लोग उनके सर्टिफिकेट रहते हैं दिखा देते हैं, गरीब लोग ये गाँव से दूसरे गाँव मेहनत करने जाते हैं वो सर्टिफिकेट कहाँ से रखते हैं? आधार कार्ड रेशन कार्ड रखना मुश्किल है, ऐसे में कहाँ वो रखते होता, ये सब जो है ना पब्लिक को भड़काने की मोदी और अमित शाह की चाल है, ये चाल को हम कामयाब होने देंगे नहीं होने देंगे। और उसकी माँ भी एक औरत है, हम भी औरतें हैं, आज गुलबर्गा में इतने सारे औरतें धरना बैठे हैं, ये दूसरी आज़ादी की जंग है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ और एक हैं
डॉक्टर साहब, अच्छा मैम आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप, इसमें क्या अकलियत मुखालिफ नज़र आ रहा है, क्या कौम मुखालिफ नज़र आ रहा है? यस बिल्कुल, इसमें CAA में कौम मुखालिफत ही है, क्योंकि ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। खास तौर पर ये शहरियत तरमीमी बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है, इसीलिए हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि मजहब की बिना पर कानून बनाया जाए, तो ये मजहब की बिना पर कानून बनाया गया है और इसको बिल्कुल इनको वापस लेना चाहिए। इसीलिए हम खवातीन मर्द तो कर रहे हैं, हम खवातीन भी बाहर निकल के आए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, लिटरेट लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इलिटरेट उनका कैसा करना चाहिए, तो उनको भी बताना, उनको भी अवेयरनेस लाना है, सब में अवेयरनेस लाना है। और हर एक बगैर किसी के कोई भी आएंगे आपके पास कुछ मोबाइल लेके, आप उसमें आप मिस कॉल दे लेंगे, सिग्नेचर करा लेंगे, तो वो तमाम खवातीन ने अवेयरनेस लाने के लिए हम इसलिए धरना बैठे हैं। CAA वापस लेना ही लेना आगे वो आ रहा। एक मैं नहीं फकत मेरा खुदा भी है यहाँ। भारत को अपने बाप की ताकीर मत समझ। और मैं मोहतरमा मुझे सुनाना चाहूँगा तो अपनी गुजारिश करती हूँ कि वो आए अपने ख्याल के दर से। ये एक छोटा सा बच्चा, मैं इसलिए गोदे बच्चे को लिया हूँ कि ये आजादी मांग रहा था रोते हुए। मोबाइल में चेक करो, वॉइस आ रही है।
ಎಂಎಲ್ಎ ಕರಿಸ್ತಾದೇವ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಂದಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಎಎ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ. ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕತ್ತೆಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳ. ಕತ್ತೆಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳ. ನಾನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಯಾನಿ ಉರ್ದು ಮೇಲೆ ಬೋಲೋಗಿ. ಹಲೋ, ಭಾರತದ ಜನಾಂಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸುನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲು ಸದಾಪೂರ್ವಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೇ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಜಾರಿ ರಹೇಗಾ ಅವ್ರ
रहे हैं। ये काला कानून हटा के हमारे आने वाले फ्यूचर को, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को एक खूबसूरत भारत बनाने की हम सोच रखने वाले बनना चाहिए। इंशाल्लाह एक खूबसूरत भारत हम बनाएंगे। देश की रक्षा हम करेंगे, देश की रक्षा हम करेंगे, संविधान की रक्षा हम करेंगे, देश को हम बचाएंगे, देश को हम बचाएंगे, देश को हम बचाएंगे, संविधान की आप ऊपर ही जाओ। नहीं एक दो दिन ऊपर माइक दो माइक दो। हमारे हम तो सिर्फ अनुवाद है, असल दास्तान हो।
नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस समय इस वतन के कल्चर को सर्वबुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पाक बाबू से, वो समन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खास से। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब लेकर होंगे, मोदी से नमाजी से तमाम लोगों को इतना दी जाती है कि بالکل بالکل نہیں 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 میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ماؤں بہنوں آئے ہیں یہاں پہ یہ جلسے کو کامیاب بنائے ہیں میں تمام بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے خود سے والنٹریلی آئے ہیں وہ لوگ کسی کو بلاوٹ ایسا کہ بلاوٹ نہیں دیا خالی میڈم نے ایک التجا کیا تھا کہ میں ایک جلسہ رکھ رہی ہوں آپ تمام لوگ آئے ہیں تو الحمدللہ تمام
تمام کمیونٹی سے لوگ آئے ہیں، تمام ہر اس سے آئے ہیں، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام لیڈیز جو آئے ہیں اپنی ایک آواز اٹھانے آئے ہیں این آر سی کے خلاف، سی اے کے خلاف، یہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہر چیز میں مودی اور امت شاہ ہر چیز میں اپنی گنڈا گردی کر رہے ہیں، اس کے لیے آئے ہیں، وہ آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور گلبرگہ کے عورتوں کو کمزور مت سمجھے آپ لوگ، گلبرگہ کے عورتوں کے پاس بہت ہمت ہے، اور یہ جو ہمت دیکھ کے ہموں کو بھی جذبہ آیا ہے، میں الحمدللہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں سلام کرتا ہوں ہماری اور ماؤں بہنوں کا، شکریہ۔ آج کیا یہ مدعا چل رہا ہے مودی اور امت شاہ کے، یہ سی اے این آر سی کے حساب سے، یہ ہم پورے کاسٹ کو ہے، یہ اپر کاسٹ چھوڑ کے پورے پورے بیکورڈ سب کو ہے، یہ ہم ہمارے کو تو کون بھی نہیں بولا، میڈم ایسا اسٹرائک بیٹھ رہے بول کے ہمارے کو پتا چلا، ہم خود ہمارا خود ہی اس سے لوگوں کو بلا کے ہم ہمارا دوست دونوں جنے مل کے لوگوں کو عورتوں کو ہمارے ایریا والوں کو لے کے ادھر میڈم کے پاس آ کے ہم بھی اسٹرائک بیٹھے، یہ اسٹرائک ایس ایس ہوں میڈم کے نیتوتو میں بول کے ہم بھی اختیار کرتے ہیں۔ آج کا جو کنیز فاطمہ میڈم نارتھ ایم ایل اے کی طرف سے جو ستیہ گرہ رکھا گیا تھا، وہ ستیہ گرہ الحمد للہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے، اور یہ رات کے 2 بجے تک چلیں گا ستیہ گرہ، اور تقریباً جتنے بھی تنظیمیں کے لوگ آئے ہوئے ہیں ایجوکیشن سے اور ہر محلے سے جو آئے ہیں، میں اس محلے کے پورے خواتین کو مبارکباد دیتے ہوں کہ میڈم کے ایک آواز پہ اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ الحمد للہ سی اے اور این آر سی این آر پی جب تک کینسل نہیں ہوں گا یہ احتجاج چلتے رہیں گا، میڈم کے نیتوت میں گلبرگے میں یہ احتجاج کرتے رہیں گے، میں اتنا کہتے ہوں۔ آج کے جو دھرنا ہو رہا ہے خواتین کی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے آج پچھلے 2 مہینے سے پورے ہندوستان میں ایک خوف کا ماحول بی جے پی سرکار نے ہندوستان کے عوام کو دے رکھا ہے، اس زمان میں آج محترمہ کنیز فاطمہ میڈم نے گلبرگہ سٹی سے ایک اعلان کیا، خواتین کا بہت بڑا ایک احتجاجی کنونشن رکھا گیا ہے، اس کے اندر آج شہر کے مختلف محلے سے تمام قوم کے لوگ یہاں پر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام قوم کے خواتین عورتیں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو خواتین کا مجمع، نہ کہ مسلمان، ہندو، دلت، سکھ، عیسائی، تمام کاسٹ کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ دیش کے اندر ایک بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو ختم کر کے یہ آر ایس ایس کا اور مودی کا قانون کو لاگو کرے، یہ لوگوں کا آج مقصد، وہ جو آج قانون میں ترمیم کر رہی ہے بی جے پی سرکار، اس کے خلاف ایک بہت بڑا ایک خواتین کا، ایک عورتوں کا ایک احتجاج یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر جو خواتین آئے ہوئے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ دیش میں، ایک آزاد دیش میں امن اور شانتی سے رہنے کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ آج کنیز فاطمہ جی ایم ایل اے نارتھ کے قیادت میں عورتوں کا سمندر، عورتوں کا امڑ پڑا ہے، یہ ہندوستان کی پھر سے ایک بار آزادی کی طرف نکل پڑے ہیں، جو سمویدھان کا الگھن کر رہی ہے بی جے پی بھاجپا پارٹی، اس کو لے کے میں 1947 سے